पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। इलेक्शन कमिश्नर चुनाव का घोषणा कभी भी कर सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर हर दिन बीजेपी और तृणमूल में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। वहीं हुगली कन्हाईपुर पंचायत प्रधान पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए पंचायती प्रधान अच्छे लाल यादव ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए बीजेपी चुनाव से पहले झूठा प्रचार कर रही है। 70 साल के इतिहास में अगर बंगाल में काम हुआ तो वो हमारे नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ है। बंगाल की जनता को हमारी नेत्री ममता बनर्जी पर पूर्ण विश्वास है। देखिए, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के सर भारतीय स्तर पे जो काम है वो आपको पता है कि उन लोगों का काम है मिथ्याचार करना और बिना तथ्य का अभियोग लगा देना कि भाई दुर्नीति हुआ है। तो वो अपने दल के सिद्धांत के बाहर या दल के कर्म सूची के बाहर है, निश्चित रूप से नहीं है। और उनको झूठ बोलना पड़ेगा इसलिए कि वो वामपंथी बंधु थे, पुटकी धार लेकर के राम हुए हैं, तो उनको ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा। उनका उनका आज जो राजनीति अस्तित्व जो है वो झूठ बोलने पर आधारित है, तो नेचुरली उनको विभिन्न तरीके से झूठ बोलना होगा और हिंदी भाषा भाषी लोगों को गुमराह करना होगा, जिससे हिंदी भाषा भाषी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। नेचुरली भारतीय जनता पार्टी को वोट करके यहाँ के लोग बुरी तरीके से ठगे हैं। निश्चित रूप से पप्पू सिंह के किसी भी स्टेटमेंट को यहाँ के लोग गुरुत्व नहीं देते हैं और उनके स्टेटमेंट को गुरुत्व देना भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से कौन लोगों के लिए काम कर रहा है, कौन लोगों के साथ रह रहा है, यहाँ के लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका पंचायत इलेक्शन में मिलने वाला है। उसके बाद देखिएगा कि यही पप्पू सिंह पुटकी धार लेकर के राम हुए हैं, ये पुटकी छोड़ करके वापस बाम होंगे, जो उनका ओरिजिनल दल था। देखिए, यहाँ करने लायक जो कन्हैपुर ग्राम पंचायत जिससे बहुत दूर था, वो एक खेल के मार्ट्स इस पूरे कन्हैपुर ग्राम पंचायत में नहीं था, जिसको किसी कारण से वायरलेस के जमीन पे, वायरलेस मार्ट की जमीन पे एक सुंदरता खेल का मार्ट किया गया है, इसको हम कर पाए हैं। सौरोद्वीप में किसी परिस्थिति में कभी भी पिछले 70 से इसका अवस्थान, इस ग्राम का उत्पत्ति हुआ था, लेकिन वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था, जो पहली बार हम लोग कर पाए हैं, जो इन लोगों को नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा कि अगर ये कहेंगे कि सौरोद्वीप में रास्ता हो गया है, तो जो उनके भारतीय जनता पार्टी के गुमराहित जो कार्यकर्ता हैं वो तृणमूल के साथ चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को काम सब समय प्यारा लगता है। निश्चित रूप से लोग हम लोग के साथ हैं, इसलिए लोगों को विभ्रांत करने का ये लोग काम कर रहे हैं। रहा बात दूसरा, KMDA का हम लोग का एक गंगा एक्शन प्लान है, उसको सुंदरीकरण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ एक हम लोग पार्क बनाने का काम कर रहे हैं, जो इको पार्क के रूप में प्रतिष्ठित होगा, जिससे कन्हैपुर ग्राम पंचायत प्रतिष्ठा जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा। एकदम चुनाव में किसी भी दल से हम लोग का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अपने अपने सर्वाइवल के लिए भारतीय जनता पार्टी भी और बीजेपी भी, ये CPM भी लड़ाई करेगा, और वो लड़ाई करने में दोनों धूली साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं, हाशिए पे चले जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के साथ जो मार्जिन से हम लोग का पंचायत में जो भी प्रार्थी निर्वाचित हुए थे, उससे ज्यादा मार्जिन के साथ, उससे ज्यादा मतों के साथ इस बार निर्वाचित होंगे, और हम लोगों को वोट में कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला 5 साल हम लोगों के दरवाजे पे जाके हर तरह का जो परिसेवा है, जो पश्चिम बंगाल सरकार प्रदान करती है, उसको हम लोगों को पहुंचे।